इट इज माई सेकेंड लेक्चर ऑफ चैप्टर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। देखिए इन दिस लेक्चर टूडे वी डू द डिस्कशन अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटिव सिस्टम। ह्यूमन का एक्सक्रीटिव सिस्टम क्या है, जिसे वेस्ट यानी यूरिन और यूरिया बाहर आता है। तो इसमें यहां पर देयर आर सब फ्यू पार्ट या द पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटिव सिस्टम, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ग्लैंडर एंड यूरेथ्रा, और वी डिस्कस इन द डिटेल अबाउट टू दैट। अब सबसे पहले वी डू द डिस्कशन अबाउट द किडनी। देखिए वी हैव वन पेयर ऑफ किडनी, वी हैव वन पेयर ऑफ किडनी, दे आर बीन शेप, जैसे आपके बीन होती है उसके दाने की तरह होती है, रेडिश ब्राउन कलर में होती है, और ये हमारे जो लोकेटेड है, दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, लोकेटेड एट द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक, हमारी जो वर्टिब्री है इसमें हमारी जो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री है एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री, थोरेसिक से लेकर लास्ट थोरेसिक से लेकर के थर्ड लंबर तक लोकेटेड है, क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, यानी जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है उसके डोर्सल साइड से अटैच है। अब यहां पर इस किडनी का अगर आप मेजरमेंट करें तो 10 टू 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 5 टू सेंटीमीटर ये वाइड है और 2 टू 3 सेंटीमीटर ये थिक है। दिस दी आर द डायमेंशन ऑफ द किडनी। किडनी हमारी मीडियोडर्मल ओरिजिन है, मीडियोडर्म से ओरिजिनेट होती है, और एवरेज किडनी का वेट जो है 120 से 170 ग्राम होता है। अब अगर आप पोजीशन ऑफ किडनी की बात करें, हमारी जो थोरेसिक कैविटी है वहां पर डायफ्राम होता है जो कि डोम शेप स्ट्रक्चर होती है, विच हेल्प इन रिड्यूसिंग एंड इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द थोरेसिक कैविटी। तो ये लेफ्ट और राइट किडनी पर, लेफ्ट एंड राइट किडनी होती है जो कि लोकेटेड होती है, राइट किडनी हमारी लोअर साइड पे होती है और लेफ्ट किडनी अपर साइड। तो जो राइट साइड की किडनी नीचे क्यों होती है, क्योंकि राइट साइड में हमारा यहां पर लीवर होता है, ये जो राइट साइड है यहां पर हमारा लीवर होता है, उस लीवर की वजह से हमारी जो किडनी है इट इज ऑन द लोअर साइड, राइट किडनी लोअर साइड, और वहां पे हमारा लीवर उस स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। अब अगर आप किडनी की स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर किडनी की स्ट्रक्चर जो है आप एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बाहर से कैसी दिखाई दे रही है और अंदर से कैसी दिखा रही है, इंटरनल स्ट्रक्चर इन टू हेड्स में करते हैं, एक्सटर्नल बाहर से कैसे दिखाई दे रही है और अंदर से किडनी हमारी किस तरह की दिखाई दे रही है। अब सबसे पहले हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे आते हैं। देखिए ये किडनी है, हमारी किडनी जो बीन शेप है यहां पर एक डिप्रेशन होता है जिसे आप हाइलम कहते हैं, किडनी में एक डिप्रेशन होता है जिसे आप हाइलम कहते हैं, उस हाइलम के थ्रू रीनल आर्टरी जाती है जो कि आपकी ब्लड को लेके आती है, एंड द ब्लड इज लोडेड विद द यूरिया एंड अदर वेस्ट, और नर्वस के थ्रू जाती है और रीनल वेन यहां से बाहर आती है। रीनल वेन किडनी से फिल्ट्रेशन के बाद कलेक्ट द ब्लड विच इज अनलोडेड विद द यूरिया एंड अदर वेस्ट, और यहीं से हमारा यूरेटर भी अराइव होता है। यानी हाइलम जो डिप्रेशन है वहां से हमारी रीनल आर्टरी जाती है, नर्व जाती है, रीनल वेन आती है और यूरेटर भी यहां से बाहर आता है। अब ये जो यूरेटर है ये पेयर होता है, ओरिजिनेट होता है। अब आप किडनी में देखिए, अगर एक्सटर्नल में देखिए, किडनी में सबसे आउटर मोस्ट लेयर यह रीनल फेसिया है, रीनल फेसिया इज द आउटर मोस्ट लेयर, इसके नीचे एडिपोस लेयर होती है जिसमें एडिपोस टिश्यू होता है, और तीसरा रीनल कैप्सूल होता है।
ये तीन लेयर्स होती है विचार प्रज्ञान ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द किडनी, रीनल फेसिया, एडिपोज लेयर एंड रीनल कैप्सूल, ये क्रिया प्रज्ञान को दिया। अब आइए इंटरनल स्ट्रक्चर पर। इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर देखें किडनी की जो आउटर सरफेस है ये आप कोर्टेक्स कहेंगे बाहर वाली को, और इनर वाली को आप मेडुला कहेंगे। यानी कि इसमें देखिए किडनी है, ये आउटर पार्ट है कोर्टेक्स है, और ये इनर पार्ट मेडुला है। अब यहां पर इस मेडुला रीजन में यहां पर ये आप देखिए पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं, दी पिरामिड्स आर प्रेजेंट टू हियर। इन पिरामिड्स का वन एंड इज व्हाइट विच इज टुवर्ड्स द कोर्टेक्स, जो व्हाइट पार्ट है कोर्टेक्स की तरफ है, एंड द नैरो पार्ट इज टुवर्ड्स द पेल्विस, जो पेल्विस रीजन है उसके थ्रू होता है। अब ये जो आपके पिरामिड्स हैं इनमें यहां पर ये ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड रीनल पैपिला, रीनल पैपिला। अब ये जो मेडुला है ये आपस में ज्वाइन करते हैं और एक कप शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मेजर कैलिसिस एंड माइनर कैलिसिस, मेजर कैलिसिस एंड माइनर, ये आपस में ज्वाइन करते हैं, और ये जो है दे ओपन इनटू द पेल्विस रीजन। यानी आप देखिए ये यूरेटर का डायलेटेड पार्ट है विच इज इनसाइड द किडनी, जो किडनी के अंदर है, क्योंकि यहां से जो यूरेटर आ रहा है पेल्विस के बाद ये नैरो है, और इनर पार्ट इसका डायलेटेड पार्ट है जहां पर ये पैपिली और रीनल पैपिली खुलती है और ये कैलिसिस खुलती है। तो अब यहां पर देखिए, अगर आप देखिए ये जो आपका कॉर्टेक्स पार्ट है, कॉर्टेक्स पार्ट इज मेक ए प्रोजेक्शन इन द इन बिटवीन द मेडुला विच इज कॉल्ड कोलम ऑफ मल्टी, यानी दो मेडुला के बीच में, अब एक मेडुला ये है और एक इसके बराबर में हो, तो यहां पर जो इस तरह प्रोजेक्शन होता है इसे कहते हैं कोलम ऑफ बर्टिनी, इसको हम क्या कहते हैं कोलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसको कोलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं। यानी कि आप देखिए यहां पर ये आपका एक पिरामिड है, वन मोर पिरामिड इज ऑल्सो हियर, तो इन दोनों पिरामिड के बीच में ये प्रोजेक्शन है विच अराइज फ्रॉम द कॉर्टेक्स रीजन, ये यहां पर बनाता है कोलम ऑफ बर्टिनी, क्या बनाता है कोलम ऑफ बर्टिनी को बनाता है, और ये यहां पे प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद यहां पर आप माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करिए, यानी कि जब आप इसका सेक्शन कटिंग लेंगे तो यहां पर Each kidney is made up of nephron or uriniferous tubules. Nephron is the basic unit of the kidney. और ये जो nephrons हैं, they are million in number in each kidney. हर किडनी के अंदर ये million होती है। क्या मतलब है? Nephrons. अब ये जो nephrons हैं, they are of two types on the basis of their location. कहाँ located है? Cortex region में है? या ये दे आर लोकेटेड इन द लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ कोर्टेक्स एंड मेडुला। देखिए ये यहां पर प्रेजेंट है, ये हमारी किडनी है, और इस किडनी में ये हमारा कोर्टेक्स पार्ट है और ये हमारा मेडुला पार्ट है। तो यानी ये दो नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द कोर्टेक्स रीजन इज कॉल्ड कोर्टिकल नेफ्रॉन, उनको कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। और जो हमारे दो नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट एट द जंक्शन कॉर्टेक्स एंड द मेडुला, इन दोनों के जंक्शन पे, इसको कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। दो तरह के नेफ्रॉन्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन इन द किडनी। कॉर्टिकल जो नेफ्रॉन्स है हमारे, ये कॉर्टेक्स रीजन में होते हैं, लेकिन इनका हेलने लूप छोटा होता है, तो इट डज नॉट डीपली पेनिट्रेट इन द मेडुला रीजन, ये मेडुला रीजन में डीपली पेनिट्रेट नहीं होता, किसका कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का। और ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स टोटल नेफ्रॉन्स के 85% है, यानी मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन्स आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, दे आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स रीजन।
इसके बाद यहां पे आता है आपका जक्स्टा मेडुला. दे आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द कोर्टेक्स एंड मेडुला. और इनमें जो हेंडल लूप है वो बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड इट पेनिट्रेट्स इनटू द मेडुलर रीजन डीपली. यानी वो डीपली पेनिट्रेट होते हैं कौन से जंक्शन मेडुला, और कॉर्टिकल डीपली पेनिट्रेट नहीं होते. एंड दे आर 15% ऑफ द टोटल. जो टोटल नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स अगर 100 नेफ्रॉन्स हैं तो 85% नेफ्रॉन्स हैं, ये 85 नेफ्रॉन्स जो हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं और 15 नेफ्रॉन्स आर ओनली जक्स्टा मेडुलर. अब ये जो किडनी है इसका काम क्या है, किडनी का काम क्या है, व्हाई दे आर इंपोर्टेंट. नंबर वन, रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी बॉडी के अंदर ओस्मो रेगुलेशन करती है. इन फर्स्ट वीडियो, इन फर्स्ट लेक्चर आई टोल्ड यू कि किडनी जो है हमारी ओस्मो रेगुलेशन करती है, जिससे हमारी बॉडी में वाटर की अमाउंट और मिनरल्स की अमाउंट दोनों मेंटेन रहती है. ये हमारा आरटीएल प्रेशर को भी मेंटेन करता है, जो ब्लड प्रेशर है उसको भी मेंटेन करता है, जो आर्टरीज के अंदर प्रेशर होता है. और ये हमारे वेस्ट जो मेटाबॉलिक वेस्ट है और केमिकल्स है उनको भी बॉडी से बाहर निकालता है. एंड वन मोर इंपोर्टेंट, इट सिक्रेट द हार्मोन रेनिन, RENIN. देखिए ये हार्मोन्स किडनी में सिक्रेट होता है, और एक और हार्मोन होता है RENIN, इसे भी रेनिन कहते हैं. ये रेनिन हार्मोन्स, ये रेनिन हार्मोन्स है और ये रेनिन एंजाइम है. दिस RENIN इट एन एंजाइम. This enzyme is secreted in infants for the digestion of the protein. इसलिए मिल्क जो है वो that become curdy. अब यहां पर the role of other organs in excretion. देख किडनी तो हमारी काम करती करती है, बाकी है lungs है. आपने breathing and excretion कैसे पढ़ाया था, मैंने उसे भी डाला था कि ये हमारी body से CO2 को बाहर निकाल, और एक दिन में 18 लीटर के करीब CO2 बाहर आती है और 400 ml वाटर भी बाहर आता है ड्यूरिंग द ईच एक्सपायरेशन. इसके बाद स्लेवरी ग्लैंड्स होती है, इनमें स्लाइवा होती है, लेकिन इट आल्सो बी दी ग्लैंड्स आल्सो बी एक्सक्रीट द हैवी मेटल्स एंड ड्रग्स, उनको बाहर निकालने का काम कौन करता, स्लेवरी ग्लैंड्स करता. इसके बाद स्किन है, स्किन में हमारी स्वेट ग्लैंड होती है और सेबेसियस. देखिए स्वेट ग्लैंड जो होते हैं दे आर मोर फंक्शनल इन समर सीजन, टेम्परेचर तक खुल जाती है, तो यहां पर इनसे स्वेट आता है और इस स्वेट में हमारे सोडियम क्लोराइड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, स्मॉल अमाउंट में यहाँ पे यूरिया होता है, ग्लूकोज होता है और अमीनो एसिड्स होते हैं. यानी हमारा स्वेट जो है दैट कंसिस्ट ऑफ दिस सब्सटेंस सोडियम क्लोराइड लैक्टिक एसिड स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड, इन सबको यहां पर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. अब यहां से इनको बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग और ट्रांसपिरेशन, जिससे हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरमेंट मेंटेन होता है, होम्योस्टेसिस. In the first video or lecture I told you. Second is sebaceous gland. इनमें सीबम नाम का substance आता है, जिसमें स्टियोल होता है, फैटी ओसे वैक्स एंड हाइड्रोकार्बन, ये सारे मिलकर सीबम बनाते हैं, और ये सीबम हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है. यानी जो सिक्रीशन आता है सीबम का, ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है. कौन? सीबम. कहां से आता है? सेबेसियस gland. इसके लीवर जो लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये जो लार्जेस्ट ग्लैंड है, जो लीवर है, जो आपके राइट साइड पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आपकी किडनी जो है राइट किडनी लोअर साइड पे होती है, ये बाइल जूसेस को सिक्रीट करता है, और ये बाइल जूसेस में बाइल पिगमेंट होते हैं. मैंने पहले बताया था बाइल पिगमेंट बाइलरुबिन एंड बाइलवर्टिन एंड यूरोक्रोम होते हैं. Bilirubin and bilirubin are excreted along with the stool, fecal matter के साथ किए जाते हैं. कल वीडियो बताया था, लेक्चर बन रहा है.
और इसके अंदर यूरोक्रोम पिगमेंट होता है जो हमारे यूरिन के साथ बाहर आता है, विच हैज द और विच गिव द येलो कलर टू आवर यूरिन। इसमें ये कोलेस्ट्रॉल भी एक्सक्रीट करता है और डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स भी करता है, ड्रग्स भी करता है, विटामिन, ये सब जो है बॉडी से बाहर निकलते थ्रू द लीवर, लीवर में इकट्ठे होके और किसके साथ जाते हैं, ये हमारे फीकल मैटर के साथ आ जाते हैं, हमारे स्टूल के साथ आ जाते हैं, हमारी नाइट सोयल के साथ आते हैं। तो जिससे हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल एनवायरमेंट बिसाइड्स द किडनी दीज ऑर्गेन्स लंग्स सैलिवरी ग्लैंड स्किन एंड लीवर दे ऑल आर आल्सो प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ द बॉडी और होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी। आप इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।